आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी महानगर के आर्य नगर मंडल द्वारा बेनीगंज कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसके मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित महोत्सव मना रही है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा लगाने के उद्देश्य के तहत तिरंगा यात्रा निकालने का संकल्प लिया गया है। तिरंगा हमारी आन बान शान है तथा हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा रैली निकाली जा रही है। यह रैली बेनीगंज कार्यालय से निकलकर गोरखनाथ मंदिर होते हुए सुभाष नगर समाप्त होगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, राजीव रंजन अग्रवाल, रूपेश गुप्ता, सूर्य प्रकाश शर्मा, छोटेलाल पासवान, शिवम पांडे, जितेन चौधरी, अजय श्रीवास्तव, आदेश अग्रहरी, शशिकांत सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्याद मिश्रा तथा विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, तिरंगा ले आओ, कोटी तिरंगा ले आओ, हाथ से ले आओ। सत्यार्थ मिश्रा है, मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा। देखिए 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, हर घर तिरंगा लगाकर इस उत्सव को मना रही है, जिसके निमित्त 9 तारीख और 10 तारीख को जिस प्रकार से कल भी आपने देखा होगा हमारे गोरखपुर महानगर युवा मोर्चा 10 मंडलों में एक तिरंगा यात्रा निकाल रही है प्रत्येक मंडलों में। इसी के निमित्त आज आर्य नगर मंडल की ये तिरंगा यात्रा है, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के लोकप्रिय सर्वाधिक क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। वो झंडा दिखाएंगे, यहाँ से रैली हम लोगों की अली नगर चौराहे होते हुए गंगेश होते हुए सूरज कुंड को जाएगी और वहीं पर एक समापन का कार्यक्रम भी होगा। आज गोरखपुर महानगर ने आज सुबह आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी आज गोरखनगर मंडल युवा मोर्चा के कार्यक्रम में आए थे। इसी की तरह आज आर्यनगर मंडल में आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का आना हो रहा है। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने आज़ादी के 75 वर्ष जब देश से पूरा कर रहा है तो अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश भर में एक वर्ष का कार्यक्रम लगातार चलाने का काम, देशभक्ति का जज्बा, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर किया, उन सबको याद करते हुए आज हमारी आन बान शान का प्रतीक तिरंगा जो सबके मस्तक पर रहता है उसको हर घर में लगाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। ये केवल पार्टी का नहीं बल्कि देश के हर नागरिक का अभियान है, आम जन का अभियान है। और मैं आम जन से अपील भी करता हूँ, लोग सड़कों पर भी आ रहे हैं, लोग कर भी कर रहे हैं, मैं आम जन से अपील भी करता हूँ कि अपने अपने घरों पर 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में हर घर पर तिरंगा फहरा करके देश की आन बान शान के प्रतीक को सैल्यूट करें, यही निवेदन करने के लिए निकला हूँ। और आज हम लोग गोरखपुर महानगर के द्वारा पूरे देश भर में हर मंडलों में इस प्रकार के तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम चल रहे हैं, शोभा यात्रा चल रही हैं, अलग अलग महापुरुषों की मूर्तियों का की स्वच्छता का अभियान, उनके महापुरुषों को याद करना, उनको उनके चित्र पर माल्यार्पण करना, इस सब प्रकार अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, प्रमुख लोगों के घरों पर जाकर के भी झंडा लगा करके इस अभियान का शुभारंभ करना,
अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं।